15 अप्रैल 2024 ये वही दिन है जिसने संयुक्त अरब अमीरात के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है, और इस बार प्रकृति ने कुछ ऐसा साबित भी किया। 21वीं सदी के वेल डेवलप्ड देशों में से एक दुबई में 15 तारीख को बारिश होना शुरू हुई, और इसी बारिश के साथ प्रकृति ने अपना कहर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान पर भर पाया। रोड पर चलने वाली करोड़ों की कारें रोड पर तैर रही थी। जी हाँ दोस्तों, रोड पर तैर रही थी। 15 अप्रैल की रात में शुरू हुई बारिश कब आंधी तूफान में बदल गई पता ही नहीं चला। इस तूफान ने गगनचुंबी इमारतों के नाम से जाने जाने वाले दुबई की बिल्डिंग्स को भी हिलाकर रख दिया। नजारा तो ऐसा था कि मानो दोपहर में रात का मंजर नजर आ रहा था। इस नजारे को देखकर कई लोग तो पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के नजारे को पहले कभी नहीं देखा था। पूरे दुबई का नजारा तो ऐसा था कि प्लेन के पायलट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को उड़ाकर ले जाया जाए या फिर नाव की तरह तैराकर। दुबई में इस स्थिति को अब तक की सबसे संकट भरी आपदा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में बसे दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 6.26 इंच बारिश हुई। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अकॉर्डिंग यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है, यानी 2 सालों में कुल होने वाली बारिश एक ही दिन में हो गई। एक ही दिन छोड़िए, बल्कि महज कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो गई। दोस्तों दुबई ने भले ही हर क्षेत्र में तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन दुबई आज भी अपने रेन सिस्टम की वजह से खासा परेशान रहता है। अब क्योंकि दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है। हालात तो ये होते हैं कि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 50 तक पहुँच जाता है। ये बात सिर्फ दुबई की ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ कंट्रीज की है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज अपने देश से निकलने वाले पेट्रोलियम के साथ साथ अपने देश में पड़ने वाली गर्मी की वजह से भी जानी जाती है। आपने देखा होगा कि जब दुबई में भीषण गर्मी पड़ती है तो कई लोग समर वोकेशंस मनाने के लिए दुबई जाते हैं और वहाँ के तपते रेगिस्तान में डिजर्ट सफारी वगैरह करते हैं। लेकिन वोकेशंस के बाद ये देश इस भीषण गर्मी से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्निक का यूज करता है, और कई वेदर एनालिटिक्स के अनुसार गल्फ कंट्रीज में आई बाढ़ की वजह यही क्लाउड सीडिंग है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान भी उड़ाए थे, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके चलते अब वहाँ के हालात और जज्बात दोनों ही बदल चुके हैं। गल्फ स्ट्रेट नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी ने बताया कि 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को दुबई एयरपोर्ट से उड़े 2 विमानों ने इन 2 दिनों में रेन कराने के लिए करीब 7 बार उड़ान भरी, और जैसे ही ये विमान उड़े उसके कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ का मौसम खराब हो गया और वहाँ बहुत बारिश होने लगी, और वहाँ होने वाली बारिश का असर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। और इन हालातों की कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी कि दुबई में भी ऐसी बारिश होगी कि वहाँ के लोगों का जीना बेहाल हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक सवाल आपके जहन में आ रहा हो कि आखिर क्लाउड सीडिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये आखिर असल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। बता दें कि क्लाउड सीडिंग को आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से जिन इलाकों में बारिश कम होती है या फिर नहीं होती है, वहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। इसके लिए हेलीकॉप्टर या प्लेन उड़ाए जाते हैं। इन प्लेन्स के जरिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल बादलों में मिलाए जाते हैं, और फिर हवा में या बादल में स्प्रे किए गए ये पार्टिकल्स भाप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये नॉर्मल से दिखने वाले बादल हैवी डेंसिटी तूफान वाले काले बादलों में बदल जाते हैं। ये कण वाटर वेपोर के कंडेंसेशन और वर्षा की बूंदों या फिर बर्फ के क्रिएशन बनने में मदद करते हैं, जिससे बादल बनते हैं और फिर यही बादल बारिश करते हैं। इस तरह से क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के जरिए होने वाली बारिश में कुल आधे घंटे का समय लग जाता है। अब क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में बादलों को तैयार किया जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स ऊपर आकाश में जाकर बादलों को बनाते हैं, इसलिए इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इसमें तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसी तबाही मची। दोस्तों खाड़ी देशों में सूखे और गर्मी के हालातों से निपटने के लिए भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इतना भयानक मंजर वहाँ पहली बार दिखा है। बता दें कि यूएई में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत साल 1990 में हुई थी।
यूएई के अलावा चीन और अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश इस तरह की बारिश करा चुके हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ऐसे ही क्लाउड सीडिंग का नमूना देखने को मिला था, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के द्वारा बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। दुबई और उसके आसपास के देशों में इस समय बेहद धीमी गति से साउथर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। ये एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो कि अपने साथ गर्म हवा को लेकर चलती है। दुबई और उसके आसपास के देशों में जहां धूल के तूफान आते रहते हैं और धूल के इन तूफानों में उठने वाले कणों में खुद क्लाउड सीडर हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लेई कहते हैं। माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग में बहुत सारे धूल के कण शामिल होने के कारण ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण पूरा दुबई जलमग्न हो गया है। आमतौर पर आर्टिफिशियल रेन उसी एरिया में होती है जहां ये कराई जाती है, लेकिन खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने वो बाढ़ लेकर आए। जब प्राकृतिक तौर पर एक जगह पर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो वो बाढ़ लेकर आती है। इसे बादल फटना भी कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करना है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट भी सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो जो कि बाढ़ का कारण बनी। आर्टिफिशियल रेन की इस थ्योरी को सबसे पहले विंसेंट जोसेफ शेफर और नोबेल पुरस्कार विजेता इविंग लैंगम्यूर ने कंफर्म किया था। शेफर ने जुलाई साल 1946 में क्लाउड सीडिंग का ये प्रोसेस खोजा था। इसके बाद 13 नवंबर साल 1946 को क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार न्यूयॉर्क फ्लाइट के थ्रू नेचुरल बादलों को बदलने के एफर्ट्स डाले। बता दें, जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी साल 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बैथर्स्ट में क्लाउड सीडिंग को सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था। उस समय इसे मुश्किल वक्त में यूज करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब तो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का यूज अक्सर सूखे से प्रभावित होने वाले इलाकों या फिर एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए किया जाता है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि यूएई रेगिस्तान में बसे होने के कारण पृथ्वी पर सबसे गर्म और ड्राई रीजन वाले जोन में से एक है, जिसके चलते ये बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करने में सबसे आगे हैं। यूएई ने पहली बार साल 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद से आज तक यूएई को जब जब बरसात की जरूरत महसूस हुई उसने तब तब अपने जहाज या हेलीकॉप्टर को बादलों में जाके बारिश कराने का आदेश दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग किस हद तक यूज किया जा चुका है। अब हो सकता है कि आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा हो कि जब दुनिया के सभी देशों ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है तो क्या भारत ने भी इस तकनीक का यूज किया है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग साल 1951 में हुआ था। उस समय भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक एसके चटर्जी एक जाने माने क्लाउड साइंटिस्ट थे और उन्हीं की लीडरशिप में भारत में इसके यूज को प्रैक्टिकली शुरू किया गया था। उन्होंने उस समय हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश कराई थी। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए काफी समय से किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत में कई प्राइवेट फार्म्स ने भी इस तकनीक का यूज किया है। जैसे टाटा फार्म ने साल 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश कराई। फिर पुणे के रेन एंड क्लाउड्स इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसे आर्टिफिशियल रेन कराई। भारत में साल 1983 और 84 में भी क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई गई। और इतना ही नहीं, साल 1993 और 94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में भी इसका यूज किया गया था। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई। फिर साल 2008 में आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में इस तरह की बारिश कराने की प्लानिंग बनाई गई थी। इस तकनीक का एक फेलर भी देखने को मिला और वो हुआ दिल्ली में। जब साल 2018 में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने पर आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी की गई थी, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने एयर पॉल्यूशन की सीरियस सिचुएशन से निपटने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। बस मौसम के अनुकूल होने का इंतजार किया जा रहा था। आईआईटी के प्रोफेसर ने कृत्रिम बारिश करवाने के लिए इसरो से विमान को भी मंगवा लिया था, लेकिन मौसम अनुकूल होने की वजह से दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन नहीं करवाई जा सकी।
यानी कहने का मतलब साफ है कि भारत भी बाकी तकनीकों की तरह आर्टिफिशियल रेन में भी पीछे नहीं है। लेकिन भारत को पता है कि आर्टिफिशियल रेन कब, कहां और कितनी मात्रा में करानी है। वैसे दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति बदला लेने पर उतारू हो जाती है तो उसके प्रकोप से कोई भी नहीं बच सकता है। जिसका उदाहरण आज आपके सामने दुबई के रूप में है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना डाली, समुद्र के बीचों बीच पाम जुमेरिया नाम का एक मैनमेड आइलैंड बना डाला। दुबई साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में इतना आगे होने के बाद भी प्रकृति के कहर को झेल नहीं पाया। वैसे दुबई में इस इंसिडेंट के होने के बाद आपकी दुबई को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।